नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, आज हम जो ट्रैक्टर आप लोगों को दिखा रहे हैं ये है स्वराज 834 XM। दोस्तों, 3 सिलेंडर के साथ में ट्रैक्टर है, वाटर कूल्ड और 35 हॉर्स पावर के साथ में है। और इसकी अभी हम आप लोगों को प्लेट भी दिखाते हैं, ये देख सकते हैं 834। और स्वराज डिवीजन का ट्रैक्टर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का बना हुआ। दोस्तों, पूरी जानकारी अभी आप लोगों को देंगे और किसान भाई से भी आप लोगों को मिलवाएंगे, तो वीडियो के साथ में बने रहें। दोस्तों, पहले आप लोग ट्रैक्टर देख लीजिए। दोस्तों, इंजन की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है, जो कि 2592 CC का है और 1800 rated RPM पे यह पूरे 35 HP की पावर दे देता है। दोस्तों, आगे के टायर की अगर बात की जाए तो आगे के टायर 616 के हैं और वहीं पीछे के टायर 12/4/28 के ट्रैक्टर में हैं। रियल ओनर रिव्यू भी आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों, किसान का क्या कहना है, पीछे से आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल वहीं अन्य स्वराज के ट्रैक्टरों जैसा ही इसमें पीछे से है, स्ट्रेट एक्सल के साथ में है, बैक एक्सल स्ट्रेट वाले हैं। दोस्तों, इस साइड से कुछ इस प्रकार का ट्रैक्टर का व्यू है और बहुत ही साफ सुथरा ट्रैक्टर है। किसान भाई ने काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रैक्टर को मेंटेन किया है। और वहीं अगर बात करें इस ट्रैक्टर के गियर बॉक्स की, तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर के साथ में ट्रैक्टर आता है। 1500 kg की लिफ्ट ट्रैक्टर में आपको मिल जाती है। तो चलिए अभी किसान भाई से आपकी मुलाकात करवाते हैं और देखते हैं किसान भाई का क्या कहना है इस ट्रैक्टर के बारे में, कैसा क्या माइलेज रहता है। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। तो भाई साहब, पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को करवा दीजिए, जैसे आपका नाम क्या है और गांव वगैरह कौन सा लगता है। ये नाम हमारा धवई पुरवा पड़ता है, जिला सीतापुर, थाना मिलिया सुल्तानपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम क्या है आपका। नाम श्री सदानंद है। अच्छा अच्छा, तो आपका जैसे स्वराज का 834 XM ट्रैक्टर है, ये कौन सा मॉडल है, आपने कब खरीदा था। 8 मॉडल है, 2008 जी। कंडीशन काफ़ी अच्छी ट्रैक्टर की है, अभी तक आपने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। बाकी एक चीज़ और बताइए हमारे किसान भाइयों को, जैसे इस ट्रैक्टर का मेंटेनेंस वगैरह क्या रहा अभी तक, जैसे आपने 2008 में लिया है, काफ़ी दिन चलाते हो गए हैं, तो इसमें मेंटेनेंस वगैरह कैसा क्या रहा, जैसे इंजन है, गियर बॉक्स है, लिफ्ट है, इन चीज़ों में कोई कमी या दिक्कत आई। कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, बढ़िया चल रहा है अभी तक। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हमारे किसान भाइयों को बताइए, जैसे कि इसका माइलेज वगैरह क्या रहता है हायरो पे और ट्राली वगैरह पे। कम है, कल्टीवेटर पर ज्यादा है। अच्छा अच्छा, और ये प्रेशर पर ज्यादा उठाई। अच्छा, वैसे हैरो पे कितना लीटर लेता है घंटे में। हैरो पर 5। अच्छा, और थ्रेसर वगैरह पे। थ्रेसर पर 6-7। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे ट्राली वगैरह में रोड पे चलाते हो तो कैसा कर रहा था। 3-4। अच्छा, घंटे का। और तो एक चीज़ और बताइए, सर ताकत वगैरह कैसा क्या लगाता है ट्रैक्टर। ताकत बहुत अच्छी लगाता है। हाँ, ताकत में कोई कमी तो नहीं है। हाँ, कमी नहीं है, महिंद्रा वाले आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बताओ लगे कि हम कहीं ट्राली हमारी खिंचवा दो, 10-13 क्विंटल के ना हम ज़्यादा रहे। अच्छा अच्छा, हम चलाए भैया नहीं पा रहे, कम पाई रहन। अच्छा, उसके बाद में हाँ यहाँ पर जब उनसे कहन चलाए दो तो कहें नहीं, हम अपन करीबा पहले कोई 2-3 वाले की उठा सूद हो जाए। अच्छा, तब कहें दादा तुम्हारे खोले लगाई हम। अच्छा अच्छा, हमारे खोले हमारे इंचो भरने अगले उठे। हाँ, ये स्वराज के ट्रैक्टर मतलब फ्रंट लिफ्टिंग काम करते हैं, निकल के ट्राली के काम के लिए मतलब अच्छा रहता है। हाँ, ठचना ही है। बाकी ट्रैक्टर के काम से खुश हैं। हाँ, खुश हैं। ठीक ठीक, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।